समंदर आबरू खोने लगा था। ये तो भी आप कलाम तो सुनते ही रहते हैं, जरा गजल सुन। वो एक एक बात पे रोने समंदर आबरू खोने लगा था, वो अब आईने धोते फिर रहा है, क्योंकि उसे चेहरे पे शक होने लगा था, उसे चेहरे पे शक होने लगा था। ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है। आसिफ, आसिफ सुनो बेटा, ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है। ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है, नहीं है। मिलने को तो मिल जाती है दुनिया में हर एक शय, लेकिन माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है। जमाने में नहीं। ओहो, बड़ी दूर हो मेरी जान। आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, छाओ की मगर किसको जरूरत नहीं होती, नहीं होती। दुनिया का खजाना अगर मिल जाए तो क्या है, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। इसको शार्प करो बेटा, ये जरा टोन को शार्प कर दो, बेंजो की टोन। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मुंतजिर हूं सितारों की जरा आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मैंने देखा है कि जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है कि जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए, और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है मजीद के नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए, अखबार में रहने के लिए। आसमानों आखिर भाई, नूर आला नूर का वक्त है, गजल की हिफाजत कर लेना बेटा, इसको गजल के जैसा कर दे थोड़ा। आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले
झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले ज्योतिष, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता भी बुरे वक्तों पर, और पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। रहमतों के नुजूल जैसे हैं। जाकिर भाई पूरी रात ऐसा शेर नहीं सुने होंगे तुमने। नूर ही नूर उनके चेहरों पर रहमतों के नुजूल जैसे हैं। मुफलिसी से झुलस गए वरना मेरे बच्चे भी फूल जैसे हैं। भाई देखिए पेटलाद में पढ़ रहा हूं, अगर हिफाजत शेरों की करेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं भी अपना वक्त पास कर लूंगा। अगर दाद आपकी है तो मैं शेर दूंगा। आंधियों से न बुझू ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कभी अपने उसूल से फाकों में रह के काट दी ये जिंदगी, मगर पीछे नहीं हटे कभी अपने उसूल से। दौलत के सामने कभी सजदा नहीं किया, हमने सबक लिया है हयाते रसूल से। कश्ती किनारे पे खुद ही आएगी, किसी की डूबती कश्ती संभाल कर देखो। तुम्हारी कश्ती किनारे पे खुद ही आएगी,
किसी की डूबती कश्ती संभाल कर देखो और तुम्हारे दिल की चुभनगी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तवज्जो चाहूंगा ओ, ओ, ओ। चेहरे बुझे बुझे से बदल का मतलब चेहरे आखिर भाई पूरी तवज्जो रखो, अब जो कुछ हो गया बस अब जो वक्त है वो सुनने का। चेहरे बुझे बुझे से है मंजर उदास है, बेच के तूने जो घर खरीदा था वो बेच कर तेरे बच्चे शराब पीते हैं। क्या बात है, ये तो भाई खुदा की कसम मेरी जान ये तुम्हारी मोहब्बत में मजीद आए हैं अर्जुन शाह के सबके। बड़ा तवील सफर खत्म करके आ रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं गजल में भी कुछ ऐसी उम्मत को अपने कुछ दू, नबी की उम्मत को, कि उम्मत ये कह उठे कि मजीद भाई कलाम तो कलाम मगर गजल का भी हक अदा होता है। तवज्जो, मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं कोई हिसाब नहीं बेहिसाब पीते हैं, शराब बेच के तूने जो घर खरीदा था वो बेच कर तेरे बच्चे शराब पीते हैं। अच्छा हाथ उठा के बताइए और शेर सुनाऊं या फिर इसको यही खत्म करूं। अच्छी बात, मुझसे जरा सी दूर जो पैसा चला गया, मुझसे जरा सी दूर जो पैसा चला गया सबके दिलों से प्यार का जज्बा चला गया, बेटे की परवरिश में जवानी चली गई और बूढ़ा हुआ जो बाप तो बेटा चला गया। क्या बात है, बेटे की परवरिश में जवानी चली गई
लेकिन बूढ़ा हुआ जो बाप बेटा चला तो बेटा चला गया। फिर चार मिसरे रख रहा हूं दोस्तों, अहले गुजरात पूरी तवज्जो। इसी का नाम मजीद शोला। तो भाई ये जो चार मिसरे दे रहा हूं जाकिर भाई, खुदा की कसम सबके घरों में ये मंजर आएगा, मेरे भी घर में है। लेकिन ये मंजर जब आएगा तो अगर गामा पहलवान भी हो ना तो वो भी ढूस हो जाता है। मगर कौन सा मंजर, मोहब्बत है जभी तो ये खिलौना टूट जाता है। जरा भी फर्क आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। मैं अपने हाथ से बेटी को रुखसत कर तो सकता हूँ, मगर ये फर्ज ऐसा है कि कांधा टूट जाता है। मैं अपने हाथ से बेटी को रुखसत कर तो सकता हूँ। खुदा की कसम ऐसा ही है भैया, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने हाथ से बेटी को रुखसत कर तो सकता हूँ, मगर ये फर्ज ऐसा है कि कांधा टूट जाता है। मगर ये फर्ज ऐसा है कि कांधा टूट जाता है। और गरीबी में मुसीबत दो कदम आगे निकलती है, अगर बारिश का मौसम हो तो छाता टूट जाता है। पनघट उदास झील का मंजर उदास है, पनघट उदास झील का दूसरा मतलब उदास है, पनघट गए के गाँव का हर घर उदास है। तुम क्या गए के गाँव का हर घर उदास है, तुम क्या गए के गाँव का हर घर उदास। शेर देखिएगा, किसी विषय में तेरे हुस्न का जमाल नहीं, तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं, मिसाल नहीं। ये तो भाई समझने की कोशिश करना। जाकिर भाई जाने मन, तू बेमिसाल है इकबाल भैया, तेरी कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है, वरना के दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं, के दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं। शेर देखिएगा, कच्चे मकान बना तो, कच्चे मकान बना के इमारत के सामने, कच्चे मकान बना के इमारत
खुश है गरीब और तवंगर उदास है, खुश है गरीब और तवंगर उदास है, खुश है गरीब तवंगर उदास है। अच्छा ये शेर बड़ा मजा देगा जाकिर भाई यहां पर और इस वक्त तो बड़ा मजा देगा। ये कौन लाल पान की बेगम को ले गया, जोकर उदास है इंशाल्लाह। इस शेर के बाद मजा नहीं देगा कोई शेर। शेर देखिएगा, खुददार लोग थे यूं ही। ये शेर को समझने के लिए तो भाई करबला की तरफ अपनी नजर रखो और शेर सुनो। खुददार लोग थे
एक दुआ कर रहा हूं, जो मेरी दुआ है वही तुम्हारे लिए। चारों मिसरे देखिएगा। इकबाल भाई दावा तो नहीं करूंगा, अगर नमाज होती भी है तुम्हारी तो दुआ मत मांगना, बस यही चारों मिसरे पढ़ लेना। देखो क्या है, वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरे खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे मालिक मेरी सांसों की हिफाजत करना, क्योंकि मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे। लाला मेरे मालिक मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, फिर तेरी याद की मौसम ने सियासत की है। मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। लाला मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको मिलता है कि जो तकसीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको मिलता है करम नवाजिश के जो तकसीम करता है। तवज्जो चाहूंगा, खजाना उसको मिलता है कि जो तकसीम करता है। तो भाई ये भी बड़ी खास बात मैं उम्मते मुस्तफा को देना चाहता हूं। कोई अगर दोस्त पूछता है, यार क्या बात है, घर में कोई मेहमान आने वाला था, क्या हुआ? दोस्त कहता हाँ आ तो गए, क्या हुआ? बेटी हुई। अच्छा, यानी बेटी हुई ऐसा बताते हैं लोग कि जैसे उनके ऊपर कोई अजाब आ गया, बेटी हुई। अच्छा, और जहां बेटा होता है तो 200 घरों तक फटाके फूटते हैं। कसम खुदा की उम्मते मुस्तफा, तवज्जो, अब इसके बाद मलाल मत करना बेटी होने का। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान, अपने अपने घरों में फ्रेम करके लगाओ। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, अरे मेरे नबी का चला खानदान बेटी। मेरे गुजरात तुझे सलामत रखे मेरे आका मोइनुद्दीन।
भाई का हुक्म है इत्तु भाई का कि मजीद भाई फिर पढ़ लो ये चारों मिसरे। आहा जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से सब मिलके बोलो महकता रहता है दिल का जहान बेटी से बेटी से जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। पूरी रात की मेहनत वसूल हो गई तुम यार एक ही शेर में मेरे नबी का चला खानदान बेटी से तवज्जो चाहूंगा हुजूर ओ हमारा तीर कुछ भी हो निशाने तक पहुंचता है परिंदा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंचता है पहुंचता है। हमारी मुफलिसी पे आपको हंसना मुबारक हो मगर ये तंज हर सैयद घराने तक पहुंचता है। एक घूंट मांगना भी गवारा नहीं असद मैं तिश्ना लब खड़ा हूं समंदर उदास है। बहुत देर के बाद आए लब रात भर फारूक भाई मैं तिश्ना लब खड़ा हाँ मेरा बेटा मंजर